अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टू लर्न। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लिनिकल एनाटॉमी की बुक से एक चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि है इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन एनाटॉमी या इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमी, और ये इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइड शो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर चैप्टर की आउटलाइन दी गई है और नेक्स्ट स्लाइड में चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी की टू मेन ब्रांचेस होती हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के फीचर्स जो हैं दे वर ऑब्जर्व विद द नेकेड आई। हम लोग नेकेड आई से जिन चीज़ों को देख सकें ह्यूमन बॉडी की, वो आ जाते हैं अंडर द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और जो माइक्रो और जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े वो आ जाते हैं अंडर माइक्रोस्कोपिक ह्यूमन एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक की फर्दर थ्री डिविजन्स की गई हैं, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टमिक एनाटॉमी, और माइक्रोस्कोपिक की टू गई हुई हैं, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यूज की स्टडी करते हैं और साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी करते हैं। अब हम लोग नेकेड आई से ना टिश्यूज देख सकते हैं ना सेल देख सकते हैं, वो उसके अंदर जाने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इस वजह से इट इज़ आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ह्यूमन एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी, एनाटॉमी इज़ द साइंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। सिंपल एनाटॉमी क्या है, जो एक लफ्ज़ है एनाटॉमी सिंपली, इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को स्टडी करना इज़ द एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी को क्या होती है, इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी एज इट रिलेट्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड अदर हेल्थ साइंसेज। क्लिनिकल एनाटॉमी, जब हम लोग सिंपल एनाटॉमी को क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएँ तो वो सिंपल एनाटॉमी से क्लिनिकल एनाटॉमी बन जाती है, जिसके अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन ह्यूमन बॉडी के, और उसको लेकर आते हैं प्रैक्टिस में लेकर आते हैं टू द मेडिसिन और जो दूसरी फील्ड्स हैं मेडिकल फील्ड्स हैं उनमें। तो ये हो गया क्लिनिकल एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी क्या है, इज द स्टडी ऑफ मिनिमल अमाउंट ऑफ एनाटॉमी कंसिस्टेंट विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसके अंदर हम लोग बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ते हैं, जिनको पढ़ के हमें ओवरऑल ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ आ जाए, डीप में नहीं जाते, बस बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। अप्लाइड एंड क्लिनिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी को अप्लाइड एनाटॉमी भी कहते हैं बिकॉज इसमें हम लोग क्लिनिकली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस एनाटॉमी को, तो वो अप्लाई करके, जिसमें इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर विद फंक्शन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी विद द मेडिसिन एंड सर्जरी। हम लोग अप्लाई करके दिखाते हैं, अब कोई भी मूवमेंट करानी है फॉर एग्जांपल आर्म में, तो जब तक हमें उसके एनाटॉमी ही नहीं पता हम उसकी मूवमेंट नहीं करा सकते सही से आर्म की, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिसलोकेशन हो सकती है। तो एनाटॉमी क्या है कि सिंपल एनाटॉमी की हमने उसकी स्टडी कर ली, फिर जब वो स्टडी करके हम लोग मूवमेंट करा रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी भी पार्ट की, तो वो है अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ वेरियस चेंजेस इन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक बेबी के ये हम लोग पूरा जो प्रोसीजर है स्टडी करते हैं अंडर द डिविजन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं, या ह्यूमन की लाइफ स्पेन या उसके स्टेजेस टू होती हैं, प्रीनेटल लाइफ एंड पोस्टनेटल लाइफ। अब ये क्या होती हैं ये आगे देखते हैं। प्रीनेटल लाइफ मतलब बेबी की बर्थ से पहले इस लाइफ जो है उसके थ्री स्टेजेस होती हैं, ओवम, एम्ब्रियो एंड फीटस। ओवम में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट हो रही होती है उससे लेके फर्स्ट वीक के एंड तक वो जो होती है उस स्टेज को कहते हैं ओवम, या उस चीज़ को कहते हैं ओवम। देन सेकेंड टू एट वीक के बाद ओवम कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, देन हम उसको ओवम नहीं कहेंगे, उसको एग नहीं कहेंगे, स्पर्म नहीं कहेंगे, बल्कि उसको एम्ब्रियो कहेंगे। देन 9 to 42 weeks के बाद एम्ब्रियो की जगह फीटस आ जाती है, उसको हम लोग ये चीज़ एक ही है लेकिन वो डेवलप होती जा रही है वीक्स के अंदर, तो हम उसको उस नेम भी वो साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं उनके, पहले ओवम देन एम्ब्रियो देन फीटस।
ये थी प्रीनेटल लाइफ। पोस्टनेटल लाइफ क्या होती है, जब बेबी की बर्थ हो जाती है। उसके भी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट न्यूबॉर्न नियोनेट भी कहते हैं उसको, और वो बर्थ से लेके 2 वीक तक हम उसको न्यूबॉर्न कहते हैं या नियोनेट कहते हैं। देन 3 वीक से 1 ईयर तक वो न्यूबॉर्न नहीं होता, वो इन्फेंसी की स्टेज में होता है, उसको कहते हैं इन्फेंट। देन 3rd स्टेज है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, जिस तरह अर्ली चाइल्डहुड जिसके अंदर दूध के दांत होते हैं, मिल्क टूथ पीरियड, ये 2nd ईयर से 6th ईयर तक, मतलब जब बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में, उसको हम लोग चाइल्डहुड की स्टेज कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की, जब उसके दूध के दांत होते हैं। उसके बाद मिडल स्टेज आती है, मिडल चाइल्डहुड आता है, जिसके अंदर परमानेंट टूथ पीरियड होते हैं, और ये पीरियड 7 to 9th or 10 years तक चलता है, उसके मिल्क टीथ आ जाते हैं। देन लेट, जिसको कहते हैं प्री प्यूबर्टल पीरियड, ये होता है 9 to मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट है। फीमेल्स में 9 to 10 से लेकर 12 or 15 तक ये पीरियड रहता है, एंड उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है, और मेल्स में 9 to 10 से लेकर 13 to 16 तक रहते हैं, उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है। तो ये पोस्टनेटल लाइफ के स्टेजेस हैं। देन एडोलेसेंस भी आती हैं एंड एडल्टहुड। एडोलेसेंस प्यूबर्टी के 6 ईयर्स बाद तक एडोलेसेंस की एज रहती है, और एडल्ट के अंदर 2 स्टेजेस हैं, प्राइम एंड ट्रांसिशन। 20 ईयर्स से 60 ईयर्स तक प्राइम स्टेज होती है, प्राइम एडल्ट, और फिर ओल्ड एज आ जाती है फ्रॉम 60 to death, वो ओल्ड एज हो जाती है। नेक्स्ट है सिस्टमिक एनाटॉमी, वो है एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टमिक एनाटॉमी और ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम्स, ऑफकोर्स नाम से पता चल रहा है जिसमें हम लोग सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, वो है आ जाती है अंडर द सिस्टमिक एनाटॉमी। इसमें डिफरेंट डिविजन्स हैं, जिसमें ऑस्टियोलॉजी है, जब हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, जब हम जॉइंट्स या आर्टिकुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको ऑर्थोलॉजी कहते हैं, मस्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हो तो मायोलॉजी, लिम्फ ब्लड वेसल्स को डिस्कस कर रहे हो, हार्ट को डिस्कस कर रहे हो तो एंजियोलॉजी, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंसेस, जो हमारे स्पेशल सेंसेस होते हैं उनके ऑर्गन, स्किन, इनको जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, और जब विजरल सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो इसको स्प्लेनजोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम आता है। देखें ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइज किस तरह होती है, मीन्स उसके अंदर मेजर चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले ओवरऑल स्केलेटन होता है, प्रोवाइड स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और जितने भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, सपोर्ट्स द बॉडी एंड अलाउ इट टू मूव, मस्कुलर सिस्टम के थ्रू वो बॉडी हमारी मूव करती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेक डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब इन इट्स न्यूट्रिएंट, फूड को ब्रेक डाउन, फूड हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, न्यूट्रिएंट्स में एब्जॉर्ब करता है। देन रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये क्या करता है, ऑक्सीजन टेक इन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वेस्ट गैसेस रिलीज करता है। नर्वस सिस्टम, जितने भी सेंसेशंस हैं, थॉट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, ये सारा कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट द बॉडी। रीजनल एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, जब हम स्पेसिफिक बॉडी के रीजन्स के अकॉर्डिंग एनाटॉमी को डिस्कस करें तो वो आ जाती है अंडर रीजनल एनाटॉमी। इसकी डिवीजन देखें, हम लोग हेड एंड नेक को अलग डिस्कस करें, ट्रंक्स को अलग डिस्कस करें, अपर लिम लोअर लिम्स दोनों को अलग डिस्कस करें, तो इस तरह के ही स्टडी को कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द स्किन बाय इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन, स्किन के बिल्कुल डीप जो स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं उनकी स्टडी को सरफेस एनाटॉमी कहते हैं, कि जिस नेकेड आई से देखने से ही नज़र आ रही हो कि स्किन के नीचे ये स्ट्रक्चर्स हैं ये, और ये इंस्पेक्शन से और पल्पेशन से स्टडी कर सकते हैं। पल्पेशन कहते हैं टच करके फील करना। कैडावेरिक एनाटॉमी, इस स्टडी ऑन डेड बॉडीज यूजली विद द नेकेड आई, एंड 2 अप्रोचेज आर मेड इन दिस एनाटॉमी, वन इज ट्रेडिशनल, अदर इज सिस्टमिक। कैडावेरिक एनाटॉमी, जो हम डेड बॉडीज़ पे, जो हम लाशों पे स्टडी करते हैं, वो
उनके ऊपर हम लोग नेकेड आई से देखकर स्टडी कर रहे होते हैं कि ये है, ये है, इसको कहते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी, कैडावर्स के ऊपर स्टडी करने को। और ये दो तरह से हो सकते हैं, या तो सिस्टमिक या तो रीजनल, कि हम दोनों पढ़ चुके हैं, सिस्टमिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, रीजनल रीजन्स के अकॉर्डिंग। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बाई वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स, जो हम लोग एक्सरे वगैरह से लेते हैं, अल्ट्रासाउंड से लेते हैं, ये सारे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आ जाती है। देन वो तो सारी थी ब्रांचेस एनाटॉमी की। ये है एनाटॉमिकल पोजीशन, के एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है हमारी बॉडी की, किस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये ह्यूमन एनाटॉमिकली कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी बिल्कुल ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो पहले पर्सन इज स्टैंडिंग इरेक्ट, पर्सन को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। देन द अपर लिम्स बाय द साइड्स, जो उसके दोनों अपर लिम्स हैं लाइक दोनों ये आर्म्स हैं, वो दोनों साइड पे होने चाहिए। एंड द फेस इन द पाम ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, और जो आर्म्स हैं उनके हैंड की पाम जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होनी चाहिए, मतलब वो नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि सामने की तरफ होनी चाहिए। इस तरह फेस भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देन फेस एंड द पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड, मतलब फेस और पाम्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए। देन द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स बाय मीडियन और सेजिटल प्लेन, और वही बात के मीडियन और सेजिटल प्लेन के थ्रू बॉडी को टू हाफ्स में डिवाइड होना राइट एंड लेफ्ट। ये इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी प्लेन होता है, प्लेन्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए रिलेटेड टू एनाटॉमी। एनाटॉमी डिस्कस करते हुए हम लोग आगे पीछे के बजाय ये टर्म्स यूज़ करते हैं, लाइक फर्स्ट है इंटीरियर पोस्टीरियर, जो हमारी बॉडी की फ्रंट सरफेस है, इसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब इंटीरियर सरफेस पे हैं, इसको इनको हम इंटीरियर कहेंगे। लाइक आपका हार्ट इज़ इंटीरियर टू द जो बैक के आपके रिब्स वगैरह हैं जो भी। देन पोस्टीरियर नियर द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की बैक सरफेस पे जितनी चीज़ें हैं लाइक रिब्स हैं, बैक के मसल्स हैं, ये सब पोस्टीरियर होंगे। देन सुपीरियर इन्फीरियर, सुपीरियर नियर द क्रोन, इन्फीरियर टूअर्ड्स नियर द सोल ऑफ द फुट, नीचे की तरफ इन्फीरियर और ऊपर की तरफ सुपीरियर। देन मीडियल लेटरल, जो हमने मीडियन प्लेन के थ्रू बॉडी को डिवाइड किया था लेफ्ट एंड राइट में, तो जो उस मीडियन प्लेन के चीज़ करीब है वो होगी मीडियल, और जो उससे दूर है वो होगी लेटरल। देन क्रेनियल कॉडल, क्रेनियल हेड के करीब, क्रेनियल टेल के करीब या फुट के करीब कॉडल। प्रॉक्सिमल डिस्टल, जो चीज़ आपके ट्रंक के करीब है वो प्रॉक्सिमल है, और जो उससे दूर है वो डिस्टल है। लाइक जो आपके थाइस हैं वो प्रॉक्सिमल हैं, इस थाइस को भी छोड़ें, जो आपका हिप जॉइंट है वो प्रॉक्सिमल है ट्रंक के, और जो नी जॉइंट है वो डिस्टल टू द ट्रंक। तो ये टर्म्स यूज़ करनी है आगे पीछे ऊपर नीचे के बजाय, ये टर्म्स आनी चाहिए। दीज आर द एनाटॉमिकल टर्म्स। एनाटॉमिकल डायरेक्शंस, ये इस डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है, ये मीडियन प्लेन है या सेजिटल प्लेन है जिसके थ्रू बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड किया गया है। देन प्रॉक्सिमल डिस्टल का बताया हुआ है, देखें जो आपका हैंड है वो डिस्टल है, जो फोर आर्म और आर्म है ये प्रॉक्सिमल है। इसी तरह यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल डिस्टल का बताया हुआ है, सुपीरियर इन्फीरियर, ऊपर की तरफ सुपीरियर, नीचे की तरफ इन्फीरियर। नेक्स्ट और भी टर्म्स हैं, फ्लेक्सर एक्सटेंसर। फ्लेक्सर क्या है, जो आपके अपर लिम की इंटीरियर सरफेस है, ये है, और अपर लिम की इंटीरियर सरफेस और लोअर लिम की पोस्टीरियर सरफेस जो है ये फ्लेक्सर सरफेस होगी, और अपर लिम की पोस्टीरियर सरफेस और लोअर लिम की इंटीरियर सरफेस एक्सटेंसर होगी। मींस ये कहानी ऑपोजिट हो जाती है अपर एंड लोअर लिम की। जो चीज़ अपर लिम में देखें, जो इंटीरियर साइड है ये फ्लेक्सर है, लेकिन लोअर लिम में इंटीरियर साइड एक्सटेंसर है। इसी तरह इसके ऑपोजिट पामर सरफेस, आपके हैंड की फ्रंट सरफेस, इंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड। प्लांटर सरफेस, इंफीरियर सरफेस ऑफ द फुट, फुट की नीचे वाली जगह को प्लांटर सरफेस कहते हैं। सुपरफिशियल एंड डीप, जो स्किन की चीज़ ऊपर देखने से नज़र आ रही है वो सुपरफिशियल है, और जो उसके डीप है मसल्स, जिस तरह वो स्किन के वे है स्किन से, मतलब स्किन के अंदर करके है, जो कि नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही लाइक मसल्स, ये डीप हैं। इप्सीलेटरल, मतलब बॉडी की सेम साइड, लाइक हम लोग राइट हैंड को डिस्कस कर रहे हैं तो लेफ्ट तो राइट फुट ही होगा, इसी तरह राइट आर्म है तो
राइट लेग, ये एप्सिलेटर, बट अगर हम लोग डिस्कस करें राइट आर्म और लेफ्ट लेग को तो ये कॉन्ट्रालेटरल। इंटीरियर एक्सटीरियर कोई भी हॉलो ऑर्गन है उसकी ऊपर वाली सरफेस जहाँ पे उसको कवरिंग की होती है वो होती है इंटीरियर सरफेस, और एक्सटीरियर सरफेस उसके सॉरी वो होती है एक्सटीरियर सरफेस, और इंटीरियर सरफेस उस ऑर्गन के अंदर वाली सरफेस इंटीरियर सरफेस। इमेजिनेशन इनवर्ट प्रोट्रूजन और हॉलो ऑर्गन, कोई भी प्रोट्रूजन किसी भी हॉलो ऑर्गन में, प्रोट्रूजन कहते हैं अंदर की तरफ धंस जाना, जिस तरह पिलो को पुश करते हैं हम लोग तो वो अंदर की तरफ धंस जाता है ना, तो वो प्रोट्रूड हो जाता है, प्रोट्रूड इन हो जाता है, ये प्रोट्रूजन जो है इमेजिनेशन है। उसके बाद कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल आती है तो वो इमेजिनेशन है। सुपाइन पोजीशन क्या है कि हम इस तरह लेटे हैं कि हमारा जो फेस है वो ऊपर फ्लो ऊपर हमारे छत को फेस करा या आसमान की तरफ हो तो ये होती है स्पाइन सरफेस, और अगर वही हमारा फेस हम उल्टा लेटे हैं कि फेस पिलो की तरफ हो तो वो होती है प्रोन सरफेस। देन एनाटॉमी, थ्री एनाटॉमिकल सेक्शंस हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन जो कि विड्थ वाइज होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो कि लेंथ वाइज होता है, और ओब्लीक सेक्शन जो कि ना तो लॉन्गिट्यूडनल होता है ना ट्रांसवर्स होता है, उसके बीच में ओब्लीक होता है। थ्री प्लेन्स हैं हमारे पास, एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं जो कि हैं सेजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनके दूसरे नाम भी हैं, कोरोनल को फ्रंटल भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स भी कहते हैं, और ये इमेजिनरी फ्लैट सरफेस होती है, हम मतलब बॉडी पे होती नहीं है बट हमने इमेजिन की होती है। प्लेन्स, पहले सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन को तीन डिविजन्स दी गई हैं, लाइक एक तो सेजिटल प्लेन है जो कि बॉडी को डिवाइड करते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, टॉप से बॉटम तक वो जा रहा होता है प्लेन, और बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करेगा। फिर एक मिड सेजिटल प्लेन होता है जो कि बॉडी को एग्जैक्टली राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, ये नहीं कि राइट साइड ज़्यादा है या लेफ्ट साइड ज़्यादा है बल्कि वो इक्वल होती हैं। और पैरासेजिटल प्लेन जो उस मिड सेजिटल के बिल्कुल पैरेलल प्लेन जा रहा हो वो पैरासेजिटल प्लेन। उसके बाद फ्रंटल प्लेन कौन सा है, फ्रंटल प्लेन को क्रोनल प्लेन भी कहते हैं, और फ्रंटल प्लेन बॉडी को डिवाइड करता है इनटू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। हम स्ट्रेट खड़े हैं और हमारे बीच में से ये प्लेन गुजर रहा है, इसकी वजह से बॉडी इंटीरियर आगे वाली और पोस्टीरियर पीछे वाली हिस्सों में डिवाइड हो गई। देन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, इसके थ्रू क्या होती है बॉडी ट्रांसवर्स जब हम कट करते हैं तो बॉडी टॉप और बॉटम में डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। देन बॉडी कैविटीज़, बॉडी में कुछ कैविटीज़ हैं जो वेंट्रल बॉडी कैविटीज़ होती हैं, वो कैविटीज़ होती हैं जो कि आपके बॉडी के फ्रंट साइड पर प्रेजेंट हैं, फ्रंट हाफ ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिसमें थोरेसिक कैविटी, पुरुलर थोरेसिक कैविटी, रिबकेज आ जाते हैं, हम आगे देखते हैं हर एक अलग बताया हुआ है, पुरुलर कैविटी, मीडियास्टिनम, एब्डोमिनो पेल्विक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। थोरेसिक कैविटी रिबकेज के अंदर वाली जितनी भी कैविटी है वो थोरेसिक कैविटी है। पुरुलर कैविटी वो थोरेसिक कैविटी का लेफ्ट वन थर्ड, लेफ्ट और राइट वन थर्ड ले लिया जाए तो वो पुरुलर कैविटी है जिसके अंदर लंग्स आ जाते हैं। उसके बाद मीडियास्टिनम में हार्ट, ट्रैकियर, ईसोफेगस आते हैं और ये थोरेसिक का मिडिल वन थर्ड ऑक्यूपाई करता है। एब्डोमिनल, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी डायफ्राम से लेके आपके ट्रंक के बॉटम तक होती है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है वो डायफ्राम से लेके पेल्विक की बोन्स तक होती है, और इसमें ऑर्गन्स कौन से आ जाते हैं, लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्प्लीन और किडनीज, ये ऑर्गन्स आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। और जो इंटेस्टाइन का थोड़ा सा इधर भी पोर्शन आता है, ओवरीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे आ जाते हैं पेल्विक कैविटी में। देन सरफेस रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं सरफेस के ऊपर ही, उनको नाम दिया गया है, एनाटॉमिकली नेम दिए गए उनको। इस अब देखते हैं इंटीरियर स्पेक्ट की बात करें, एनाटॉमिकल पोजीशन में जो हमने पीछे डिस्कस की थी उसके इंटीरियर स्पेक्ट की बात करें तो उसमें एब्डोमिनल एरिया ओवरलाइंग, तो एब्डोमिनल कैविटी एक पहला एब्डोमिनल एरिया है जो कि एब्डोमिनल, जिसने एब्डोमिनल कैविटी को लाइन किया होता है इस सारे एरिया को, आपके डायफ्राम से नीचे वाले ट्रंक के एंड तक इस वाले एरिया को एब्डोमिनल एरिया कहते हैं। उसके बाद एंटी ब्रेकियल एरिया, एंटी ब्रेकियल जो है वो फोर आर्म के लिए यूज़ किया जाता है, आपका फोर आर्म को एंटी ब्रेकियल कहते हैं। उसके बाद जो
आर्मपिट है, आर्मपिट जो है इसको हम लोग एनाटॉमिकली एक्सिलरी एरिया कहते हैं, इसको एक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अपर आर्म है ये ब्रेकियल है, और फोर आर्म हमने कहा एंटी ब्रेकियल है। उसके बाद जो आपके चीक्स का एरिया, इनको एनाटॉमिकली चीक्स नहीं कहते बल्कि बकल कहते हैं। फिर रिस्ट को मैं, जो रिस्ट का एरिया होता है इसको कहते हैं रिस्ट नहीं कहते एनाटॉमिकली, इसको कार्पल कहते हैं। नेक को सर्वाइकल कहते हैं नेक के लिए, और हिप के लिए कॉक्सिल। ये हम हिप, आर्मपिट, अपर आर्म, लोअर आर्म, चीक्स, रिस्ट, इनके बजाय हम लोग एंटी ब्रेकियल, एक्सिलरी ब्रेकियल, बकल, कार्पल, सर्वाइकल, कॉक्सिल, ये वर्ड्स यूज़ करते हैं द एनाटॉमी। अब यहाँ पे हर इंस्टाग्राम में हर पार्ट का नाम बताया हुआ है, एनाटॉमिकल नेम बताया हुआ है। देखिए, बकल चीक्स के लिए चीक्स नहीं कहा बल्कि बकल का है। इसी तरह ये देखें, रिस्ट को रिस्ट नहीं कहा, कार्पल का है। ये हाथ की पामर सरफेस, ये लोअर लिम की भी हैं, उसको लेग नहीं, थाई नहीं कहते बल्कि फिमोरल एरिया कहते हैं, लेग को क्यूरल कहते हैं। इस नी जॉइंट के अंदर जो बोन है ये पटेला होती है, इस वजह से इसको पटेलर कहते हैं रीजन को। ये डिजिट्स होते हैं, और ये आर्म जो है ब्रेकियल, और फोर आर्म एंटी ब्रेकियल, ये सारा इसमें बताया हुआ है। और ये जो आपका ये नीचे है, ये है मेंटल, इसको कहते हैं मेंटल, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो चीक बोन है, ये चीक बोन के अंदर इस एरिया को मेंटल कहते हैं। माउथ को ओरल, माउथ के लिए ओरल किया गया, नोज के लिए नेजल, सर्वाइकल, नेक फॉर नेक सर्वाइकल। इस तरह हर एनाटॉमिकली नेम डिफरेंट है। इंटीरियर एस्पेक्ट और भी देखें, अब आगे फर्दर नेम्स आ रहे हैं जो कि पीछे डायग्राम से देखते जा रहे हैं आप लोग साथ साथ। क्यूरल एरिया, लोअर लेग्स के लिए क्रूलर, अभी हमने पीछे देखा क्यूबिटल, एंटीरियर एल्बो, एल्बो का एंटीरियर साइड जो है ये वाला, रुकें मैं दिखाती हूँ, ये जो है ना ये है क्यूबिटल, जो कोनी बाहर की तरफ होती है ना उसके अंदर वाली साइड क्यूबिटल। फिमोरल, अपर लेग थाई वाले रीजन को फिमोरल, चिन को मेंटल, ऑर्बिटल आई के लिए ऑर्बिटल, एंटीरियर नी जॉइंट के लिए पटेलर, क्योंकि वहाँ पे जो बोन होती है वो पटेला होती है। उसके बाद लोअर लेग के लिए प्यूबिक, लोअर फ्रंट ऑफ द ट्रंक बिटवीन द लेग्स, बिटवीन लेग्स के बिटवीन वाला एरिया प्यूबिक एरिया होता है। एंकल के लिए टार्सल यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ बोन होती है, टार्सल बोन। चेस्ट के लिए थोरेसिक यूज़ करते हैं। एनाटॉमिकल टर्म्स हैं। पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें, बैक साइड पे तो जो सर्वाइकल है नेक, बटक्स रीजन जो है उसको ग्लूटल रीजन कहते हैं, लोअर बैक जो है वो लंबर होती है, पोस्टीरियर हेड का पीछे वाला हिस्सा जो है वो ऑसिपिटल होता है, और नी का पोस्टीरियर वाला हिस्सा पॉपलीटियल होता है, उसके अंदर जो अंदर करके एक स्पेस ही बन रही होती है उसको पॉपलीटियल फोसा कहते हैं। उसके बाद जो शोल्डर ब्लेड है वो स्कैपुलर रीजन है, काफ मसल्स, काफ जो हैं वो उसको काफ नहीं कहते बल्कि सुरल कहते हैं, और जो अपर बैक है वो थोरेसिक। ये यहाँ पे सबके नाम इस डायग्राम में हैं, देख लेना। उसके बाद कुछ मूवमेंट्स हैं, ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। कुछ मूवमेंट्स आर टेक प्लेस इन जॉइंट्स विद टू और मोर बोन्स एंड कार्टिलेज आर्टिकुलेटेड विद वन अनदर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट होती कहाँ हैं, जॉइंट्स पे होती हैं, जहाँ पे जॉइंट्स कैसे बनते हैं, जब टू बोन्स मिलती हैं तो वो जॉइंट बनाती हैं। जिस तरह आपका एल्बो, ये जो एल्बो जॉइंट है इसके अंदर आपके आर्म और फोर आर्म की बोन्स मिल के एल्बो जॉइंट बनाया, और मूवमेंट इस एल्बो जॉइंट पे होगी। मूवमेंट्स हमेशा जॉइंट्स पे होती हैं। अब कुछ मूवमेंट्स हैं देखें, फ्लेक्जन एक्सटेंशन, डोर्सी फ्लेक्जन, प्लांटर फ्लेक्जन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन और अपोजिशन, वन बाय वन देखते हैं। और भी हैं, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, सर्कमडक्शन, स्पाइन प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। एक्चुअली ओके, सबसे पहले फ्लेक्जन। फ्लेक्जन क्या होती है, जब दो जॉइंट्स के बीच में एंगल डिक्रीज हो रहा होता है। लाइक देखें, ये हमने आर्म को बेंड किया, स्ट्रेट था, स्ट्रेट से बेंड किया, तो ये फ्लेक्जन है। और जब हम इसको वापस स्ट्रेट कर लेंगे तो एक्सटेंशन हो जाएगी। फ्लेक्जन में क्या हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, दो बोन्स के बीच में या दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल कम हो रहा है। देखें, स्ट्रेट थी, उसको इस तरह आगे की तरफ ले आया तो एंगल कम हो गया, तो ये फ्लेक्जन हुई। फ्लेक्जन ऑफ द अपर नी एंड एल्बो जॉइंट इज एन इंटीरियर बेंडिंग, और इसको इंटीरियर बेंडिंग भी कहते हैं। फ्लेक्जन ऑफ द नी एट द
अच्छा, ये जो एल्बो पे फ्लेक्शन हो रही है इसको एंटीरियर बेंडिंग कहेंगे। जब नी जॉइंट पे फ्लेक्शन होगी उसमें एंकल काम करना है ना उसमें भी, तो हमारी जो लेग है वो पीछे की तरफ जाएगी, तो वो पोस्टीरियर बेंडिंग होगी। एक्सटेंशन, ये स्ट्रेटनिंग, स्ट्रेट करना या एंकल इंक्रीज करना, इसका एक्सटेंशन। इसकी एग्जांपल में देखें, जो एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंशन होगी वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगी, और जो नी जॉइंट पे होगी एक्सटेंशन वो एंटीरियर डायरेक्शन पे होगी। इनका ऑपोजिट सिस्टम मूवमेंट्स होती हैं। हाइपर एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन बियॉन्ड द एनाटॉमिकल लिमिट कैन कॉज इंजरी, इसको व्हिप्लैश इंजरी भी कहते हैं, जिसमें नॉर्मल एक्सटेंशन से उनके एक डिग्रीज होती हैं, वो भी आगे देखेंगे। उससे ज़्यादा एक्सटेंशन कर लें तो वो होती है ओवर एक्सटेंशन, और इसमें फिर इंजरी भी कॉज हो जाती है, जिस तरह व्हिप्लैश इंजरी है। हाइपर एक्सटेंशन जिसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक ड्यूरिंग रियर एंड ऑटोमोबाइल कोलिजन, जब कार एक्सीडेंट होते हैं तो तब ये वाली व्हिप्लैश इंजरी होती है मोस्टली, जिसके अंदर नेक की ओवर एक्सटेंशन हो जाती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन का बताया हुआ है। लुक एट दिस, ये एक्सटेंशन हेड की देखें तो इसमें फ्लेक्शन, जब हम नीचे की तरफ कर रहे हैं सर तो ये फ्लेक्शन है, एंकल डिक्रीज हो रहा है। जब पीछे की तरफ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन है, और फिर उससे भी पीछे जा रहे हैं तो हाइपर एक्सटेंशन। डोर्सी फ्लेक्शन और पॉन्टर प्लांटर फ्लेक्शन, ये होती है फुट पे। डोर्सी फ्लेक्शन एंकल जॉइंट पे ही होती है, दिस इज़ योर एंकल जॉइंट, इस एंकल जॉइंट पे होगी। और डोर्सी फ्लेक्शन में क्या होता है, आपका जो जो फिंगर्स हैं ये ऊपर की तरफ आती हैं, ये टूवर्ड्स फुट आती हैं, ठीक। तो ये डोर्सी फ्लेक्शन होती है, मींस एंगल कम हो रहा होता है। और ये होता कब है, जब हम लोग ग्राउंड से टोज उठाते हैं तब, या हम लोग अपहिल वॉकिंग कर रहे होते हैं, माउंटेन्स पे वॉक कर रहे होते हैं, हाइकिंग वगैरह, तब ये डोर्सी फ्लेक्शन होती है, जिसमें जो आपके फिंगर्स हैं वो टूवर्ड्स फुट आती हैं। और प्लांटर फ्लेक्शन, वो अवे फ्रॉम द फुट जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, तो वो प्लांटर फ्लेक्शन है, टूवर्ड्स प्लांटर सरफेस जा रही है फुट के नीचे वाली सरफेस पे। और इसकी पोजीशन क्या है कि जब हम लोग स्ट्रेट स्टैंड करते हैं अपने फुट पे, तो वो पोजीशन जो होती है वो प्लांट फुट के वो प्लांटर फ्लेक्शन ही होती है। देन अबडक्शन रिडक्शन, एबडक्शन क्या है, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन है उससे चीज़ जब दूर जाए तो वो होती है मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो होती है एबडक्शन। जिस तरह बाजू को देखें, इस ये स्ट्रेट है बट इसको दूर लेके जा रहे हैं जब, तो ये हो रही है एबडक्शन। और जब इसको करीब लेके आ रहे हैं तो हो रही है एडक्शन। एडक्शन ऐड से याद कर लें, ADD, मतलब वो बॉडी की तरफ आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो एडक्शन और एबडक्शन बॉडी से दूर जा रही है, मिड लाइन से दूर जा रही है। और सर्कमडक्शन क्या हो रही होगी, जब हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो वो सर्कमडक्शन होती है, आगे देखते हैं। रोटेशन क्या है, टर्निंग और रिवॉल्विंग ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। टर्निंग को सिंपल रोटेशन कहते हैं, जिस तरह हेड की देखें रोटेशन, ये लेग को हम लोग रोटेट करते हैं, जब बाहर की तरफ करें तो लेटरल रोटेशन, अंदर की तरफ करें तो मीडियल रोटेशन। ओपोजिशन, जो हमारे थंब और फिंगर के मूवमेंट, ये वाली पहले इस तरह गोल बनाया हुआ है ये, उसके बाद जब हम इनको इस खोल लेते हैं, खुला होता है, फिर हम जब इसको अंदर की तरफ लाते हैं दोनों को, थंब और फिंगर और ज्वाइन करके इस तरह का कर लेते हैं, तो ये पोजीशन वाली मूवमेंट होती है। डिजिट्स का सिर्फ इसके साथ नहीं, थंब का अगली फिंगर से, फिर थंब का उससे अगली फिंगर से, ये सारे ओपोजिशन की मूवमेंट्स होती हैं। प्रोट्रूजन, स्टिकिंग द चिन आउट, जब चिन को बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो वो प्रोट्रूजन है, और जब जिनको अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो रिट्रूजन है, या ये रिट्रैक्शन भी कहते हैं उसे। प्रोट्रैक्शन, ये स्कैपुला पे भी प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होती है। प्रोटेक्शन कब होती है, जब जो शोल्डर गर्डल है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं लाइक दिस, तो ये प्रोटेक्शन है, और जब वो बैकवर्ड मूव करते हैं तो वो रिट्रैक्शन है। एलिवेशन डिप्रेशन, देखें ऊपर की तरफ रेस जब कर रहे हैं पार्ट कोई भी सुपीरियरली ऊपर की तरफ, तो ये एलिवेशन है, और जब इसको नीचे की तरफ ला रहे हैं तो वो डिप्रेशन है। देखें माउथ खोला है,
तो चिन नीचे की तरफ आ रही है, ये डिप्रेशन है। माउथ बंद करेंगे, चिन ऊपर चल जाएगी, तो ये एलिवेशन है। ये वर्जन इन्वर्जन आपके टोटली फुट पे होती है। देखें, जब जो सोल है वो लेटरल साइड पे होगा तो वो इवर्जन होगी। देखें सोल, इसके सोल तो नहीं आ रहे, चलिए फिंगर्स देख लें। फिंगर्स जब बाहर की तरफ जा रही हैं तो वो इन्वर्जन है। फिंगर्स जब बाहर की तरफ जा रही हैं तो वो इन्वर्जन है। जब फिंगर्स बाहर की तरफ जा रही हैं, अपने फुट के खुद मूवमेंट्स भी करें, तो सोल अंदर की तरफ आ रहा है, मीडियल साइड पे आ रहा है, ठीक। ये इन्वर्जन है जिसके अंदर सोल मीडियल साइड पे आएगा, इनवर्ड साइड पे आएगा। और जब फिंगर्स अंदर की तरफ आ रही हैं तो मूवमेंट करके देखें, सोल आउटवर्ड जा रहा है, तो ये आउटवर्ड जा रहा है और ये इन्वर्जन है। देन प्रोनेशन सुपिनेशन, ये जो जब सिंपल नेम से सुपाइन पोजीशन में है हैंड, जो पाम है वो अब सामने की तरफ है तो वो है सुपिनेशन। और जब वो इस तरह है उसकी बैक साइड फ्रंट पे है तो वो है प्रोनेशन। ऊपर से स्टडी कर लीजिएगा। सिरकमडक्शन, इन सब मूवमेंट्स का कम्बिनेशन इज अ सिरकमडक्शन, जिसमें फ्लेक्शन भी हो रही होती है, एक्सटेंशन भी हो रही होती है, अबडक्शन अडक्शन सब हो रहा होता है। दिस इज प्रोन, जिसके अंदर फेस डाउनवर्ड है, और दिस इज स्माइल, जिसके अंदर फेस अपवर्ड है। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, सबको पता है। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और कलेक्शन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। ये सारी पुरानी चीज़ें हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारे टिश्यूज़ हैं। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, देन टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इट इज़ एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़, इनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, लाइक बोन, मसल, हार्ट एक्सेट्रा। एंड देन ऑर्गन्स मिलके सिस्टम्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जो कि कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, दे फॉर्म सिस्टम्स। मेम्ब्रेन्स का बताया हुआ है, कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें एपिथेलियल मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन्स हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिश्यूज टू फॉर्म नेटवर्क स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स कौन सी हैं, दे कंसिस्ट, इनके अंदर टू टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ऐसी एग्जाम्पल है म्यूकस मेम्ब्रेन, प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हार्ट की मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनियम पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा लंग्स की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। ये सारी मेम्ब्रेन्स एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़ से मिलकर बनती हैं। देन फाइब्रस मेम्ब्रेन कौन सी है, इसके अंदर ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनती है, और इसमें आपके फेशिया, कैप्सूल, जॉइंट्स के जो कैप्सूल होते हैं, और फिर ब्रेन की मेनिंजेस, लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस, वो और पेरियोस्टियम, ये सारी फाइब्रस मेम्ब्रेन हैं। और सिनोवियल मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यूज से बनती हैं, लेकिन इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ नहीं होते, और ये सिनोवियल जॉइंट्स की कैविटी बना रही होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी।